होता है बेसिकली, जिसमें कार्बन के साथ क्या लगा हो, हेलोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा। तो इसके कार्बन के ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज, बताओ कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करता है, नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। बेसिकली होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा और एक्स बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो अपने अल्काइलाइड्स होते हैं, अल्काइलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइलाइड्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ये कौन कौन से मैकेनिज्म से होती है, कौन कौन से मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है? आया, हम वापस आ जाओ भाई, पढ़ना है, घूमने फिर में नहीं जाना। तो हाँ यस सर, सर, स्क्रीन पे ही रहना है, स्क्रीन पे ही हो। अल्काइल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसके दो मैकेनिज्म हैं जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, बाय टू मैकेनिज्म। एंड वो दो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, एक है SN1 और एक होता है SN2। S1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टू का मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो चेक कर लेते हैं। पहले तो दोनों का मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम SN1 की बात करें, SN1 मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में कैरी आउट किया जाएगा। इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो हेलोजन है ये बाहर निकल जाता है। हेलोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एंड ये स्लो स्टेप, मतलब इस स्टेप को करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, स्लो स्टेप है। एंड जब एक्स बाहर आ जाएगा, देखो एक्स इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया और अपने पास क्या आ गया, एक कार्बो। सेकेंड स्टेप में कार्बो का टाइम के ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, नया भाग। कोई दिक्कत? ये स्लो है एंड सेकंड स्टेप कैसा होता है अपना, फास्ट। तो इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप अल्काइलाइड अंडरगो अ स्लो हिड्रोलिसिस। हिड्रोलिसिस मतलब हिड्रोलिटिक क्लीवेज, ताकि एक कार्बो कटायन मिल जाए, कार्बोनियम आयन या कार्बो कटायन, टू फॉर्म कार्बो कटायन। और साथ में क्या मिल रहा है,
like in the second step, nucleophile attacks on the carbonium ion to complete the nucleophilic substitution reactions. कोई दिक्कत? वो R dash लिख दिया, different. Basically कुछ भी हो सकता है, same भी हो सकते हैं और R1, R2, R3 है दो. जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ एक कार्बन लगा है, एक R2 लगा है और एक क्या लगा है? R3. सबसे पहले क्या हो रहा है? हैलोजन बाहर जा रहा है, हैलोजन बाहर जा रहा है और अपने पास क्या मिल रहा है? एक कार्बन और X नेगेटिव बाहर. कोई दिक्कत? ठीक. एंड सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है एंड अपना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. मान्या, कोई दिक्कत तुम्हें? नो सर. उसे फर्क नहीं पड़ेगा. CH3 जैसे CH3 थ्राइस CX, तीनों के तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. एक CH3 हो, एक C2H5 हो, एक PH हो, इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट. नहीं, जरूरी नहीं है, तो भी अभी आगे करेंगे. कोई दिक्कत नहीं आता. ठीक. तो SN1 में क्या होता है? इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. पहले स्टेप में हैलोजन बाहर जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? उस कार्बोकैटायन पे अपना न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है. एंड अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, पहला तो यही हो गया कि मल्टी स्टेप रिएक्शन. दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है. कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट. इसके अंदर क्या मिलता है? कार्बोकैटायन मिलता है. दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 1. इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 1. नाम से क्लियर हो रहा है, यूनि मॉलिक्युलर, मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 1. अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं हम? इसका जो रेट है वो होता है k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1. मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो, डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल भी कर दूं तब भी रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा. अगर मैं ट्रिपल कर दूं या हाफ कर दूं तब भी रेट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता. लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल. अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगा? हाफ. अगला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा कि अपने पास क्या मिल रहा है? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन कैसा होता है? सबको पता है. क्या मेरा भाई नहीं आया? क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा. अरे इसका एक ही भाई, पक्का भाई है. Excuse me, sir. Yes. Sir. बोलो. सर अगर मैं बीच में क्लास छोड़ देता तो वो मेरी, मैंने क्या कहते हैं, अपने आप से नहीं छोड़ी क्योंकि लाइट जाई जा रही है. क्या बोल रहे हैं? चलो इधर ये समझो.
अभी अपने पास कार्बोकटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा? कार्बोकटाइन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड कार्बोकटाइन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड कार्बोकटाइन, इधर इधर कार्बोकटाइन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड का मतलब ये कैसा होता है? प्लेनर। ये कैसा होता है? मतलब ये तीनों चारों ग्रुप्स एक ही प्लेन में है। मैंने एक प्लेन बनाया, चारों के चारों ग्रुप्स एक ही प्लेन में हैं। तो अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, सेकंड स्टेप में किसने अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल ने। अब न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन के अबव भी प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन आके भी अटैक कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन आके अटैक भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो दो पॉसिबिलिटीज बन, मान लो न्यूक्लियोफाइल इस साइड लग गया, ऐसा प्रोडक्ट भी मिल सकता है और न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड से भी आके लग सकता है, या ये कह लें लेफ्ट से भी आके लग सकता है और राइट से भी आके लग सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो मिरर इमेजेस है ना, ये क्या हो गई? इनेंशियोमर्स। देखो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके अटैक कर सकता है या नीचे से आके भी अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है और न्यूक्लियोफाइल, इसको ऊपर नीचे की जगह लेफ्ट राइट कर लो, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से आके भी अटैक कर सकता है और राइट से आके भी अटैक कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस। दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, जितना अटैक ऊपर से हो सकता है उतना ही अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो अगर दोनों के दोनों 50-50% अमाउंट में बनते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम हमेशा क्या बोला करते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्या बोला करते हैं? रेसमिक। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिमल। SN1 में अपने को क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिमल। क्लियर? कोई डाउट? आसान है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना, कभी भी 100% रेसमाइजेशन नहीं होती, 90% रेसमाइजेशन होती है एंड 10% फिर भी क्या डोमिनेट करता है? इन्वर्शन। ये याद कर लेना, हमने 100% रेसमी मिक्सचर लिखा लेकिन असली में क्या होता है? 100% रेसमी मिक्सचर कभी भी नहीं होता है, 90% तक रेसमिक मिक्सचर मिलता है, बाकी का जो 10% है वो क्या होता है? इन्वर्शन। SN1। कोई डाउट? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि मान लो पहले एक्स लगा था राइट साइड पे, अब न्यूक्लियोफाइल आ गया लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट हो गया। नहीं समझा? नहीं आया? कोई बात, अब इसको देख। मान लो अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3Cl, assuming मैंने इसको अटैक कराया OH- से, किससे अटैक कराया? अब OH- के पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सेम साइड से आगे अटैक कर दे या पीछे से आगे अटैक कर दे। तो हमेशा याद रखना जो ऊपर वाले दो ग्रुप्स हैं वो तो अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं, जो ऊपर वाले दो, ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप है, इसमें कोई चेंज, तो CH3 और PH अपनी पोजीशन हमेशा क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे। अब यहाँ पे जो Cl है ये हटेगा और इसकी जगह क्या आएगा? OH आएगा। अब दो पॉसिबिलिटीज है, OH जहां पर पहले Cl लगा था वहां पर भी आ सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है?
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि OH उल्टी साइड पे आ गया, पहले Cl कहां लगा था राइट साइड पे, अब OH कहां आ गया लेफ्ट साइड, ये एसेंट जो मैं पीछा होता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन और इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जहां पे पहले लगा था वहीं पे अभी भी है, इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो असली में तो 50-50% मिलना चाहिए, 100% क्या होना चाहिए रेसमाइग्रेशन, लेकिन 100% रेसमाइग्रेशन कभी भी मतलब इसका 10% अमाउंट क्या रहता है हमेशा इन्वर्जन में ज्यादा रहता है, कोई दिक्कत 90% तो रेसमिक मिक्सचर मिलता है लेकिन 10% अभी भी क्या रहता है इन्वर्जन। कोई डाउट? मैं हूं समीर सोहम। नो सर। मान्य हम अब हम बात करते हैं फिर SN2 मैकेनिज्म की। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे पहले SN2 पे जाने से पहले, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन more is reactivity towards कहने का मतलब ये है। अच्छा जो stability का order है सबसे stable कौन होता है? benzyl। सबसे ज्यादा stable कौन होता है? benzyl। benzyl मतलब benzene के साथ वाला कार्बन। दूसरे नंबर पे कौन आता है? अरे कोई याद है, कमाल हो गया। क्या लास्ट क्लास में क्या था? अभी मैं सोचू फिर 3 डिग्री क्लियर। कोई डाउट? कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो अपने पास है एक CH2Cl, एक है CH3 thrice CCl, एक है CH3Cl। अब कोई पूछे कि सबसे जल्दी रिएक्शन कौन शो करेगा, सबसे लेट कौन शो करेगा, तो बताओ ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बनाएगा, ये बेंजाइल है, ये कैसा है 3 डिग्री और ये कैसा है मिथाइल, तो सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? बेंजाइल, फिर 3 डिग्री और लास्ट में। कई बार क्या करते हैं वो ग्रुप को सेम कर देते हैं, अब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? आयोडीन, क्योंकि इसका बॉन्ड क्या होता है वीक, जितना बड़ा साइज उतना वीक बॉन्ड। आयोडीन का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा, तो बॉन्डिंग क्या होती है इसकी वीक, और इसका बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्ग। तो आयोडाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और लास्ट में फ्लोर। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? करो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, अभी टेंशन मत लो, पहले मैकेनिज्म पूरे कर लें। SN2 की बात करते हैं। अब SN2 क्या होता है? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये मल्टी स्टेप था, ये कैसा है? सिंगल स्टेप। इसका मैकेनिज्म क्या है ये समझते हैं। बेसिकली अपने पास फिर से कोई R1 R2 R3 है एंड यहां पे क्या लगा है क्लोरीन। न्यूक्लियोफाइल आता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है? पीछे से, जहां से हैलोजन लगा है उसके एकदम ऑपोजिट साइड से आता है, मतलब पीछे से आता है और कार्बन पे अटैक कर देता है। पीछे से आता है और कार्बन पे
अटैक कर देता है, लेकिन कार्बन के तो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, चार बॉन्ड बने हुए हैं, तो उसको अपना कोई पुराना बॉन्ड, तो वो क्लोरीन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, क्लोरीन को बाहर कर देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन संभाल लेगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, देखो इससे अपने को मिलता है ट्रांजिशन, होता क्या है, ये कार्बन है, ये आर वन है, ये आर टू है, और ये आर थ्री, इधर से अपना हेलोजन आ रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है, पहले उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने कार्बन को डोनेट करनी शुरू कर दी। ठीक, उधर से क्लोरीन बाहर जा रहा है, तो वो भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता जा रहा है, कोई दिक्कत। ठीक, तो ये है पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड, ये पार्शियली फॉर्म्ड है और ये पार्शियली ब्रोकन, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ऐसी चीज को हम क्या बोला करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट को हम ब्रैकेट में डाल के ऊपर क्या बना देते हैं, ऐसे नॉट इक्वल टू, ये क्या हुआ करेगी अपनी ट्रांजिशन, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें इन्वर्जन होती है, फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या होता है, इन्वर्जन, कहने का मतलब यह है कि सीएल बाहर चला गया, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली ये जो क्लोरीन है ये बाहर आ जाता है, लेकिन क्लोरीन तो बाहर आ जाएगा और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था, इनकमिंग कौन था, एक्स, वो ऑपोजिट साइड से आके अटैच हुआ, पीछे से आके अटैक किया था ना, तो लगेगा कहां पे, यहां पे, जो आर थ्री है उस आर टू, पहले आर टू कहां था, अब वो कहां जाएगा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो हमेशा SN2 में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन SN2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, इन SN2 इन्वर्जन of configuration takes place. This is known as inversion. इसको हम क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। क्लियर प्रोडक्ट, रिवीजन तुम भी दूसरी बार कर रही हो, तो इसमें कार्बोकैटायन बनता था, इसमें क्या मिलता है, इंटर ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, बाय मॉलिक्युलर, इसमें जो रेट कांस्टेंट रेट आता है वो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे भी और न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को हाफ करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, अगर मैं रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट क्या हो जाएगा, 4 times। तो दिक्कत, तो दोनों पे डिपेंड करता है, और इसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलता, इसमें क्या मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, एंड उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाल्डेन ना। और इसमें स्टेबिलिटी का पॉइंट नहीं आता, इसमें हम कोई भी स्टेबिलिटी यूज नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, हिंड्रेंस कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, सरफेस एरिया यानी हिंड्रेंस, ऐसे तो दिक्कत आएगी, ये तरीका तो सही नहीं है,
हिंड्रेंस कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, हिंड्रेंस कंट्रोल्ड मैकेनिज्म का मतलब मोर इज हिंड्रेंस ये हिंड्रेंस क्या होती है आदित्य नहीं हिंडर होगा हिंडर क्या होता है नहीं हिंडर शाबाश अरे एच की जगह कहीं तो लगाया है वो भी ऐसे नहीं हो रहा देखो ये एच है ये ऐसी लाइन ही तो ठीक नहीं है ये किंडर है ये किंडर ये हिंडर है ना किंडर हिंडर कोई ज्यादा फर्क होगी ना मोर इज हिंड्रेंस लेसर इज द रिएक्टिव मोर इज हिंड्रेंस लेसर इज द रिएक्टिव हिंड्रेंस होती है भीड़ भाड़ जो थ्री डिग्री वाला है वो हाईली हिंडर्ड होता है या नहीं टू डिग्री वाला फिर कम हिंड्रेंस होती है वन डिग्री वाले में और कम होती है और मिथाइल में तो बिल्कुल ही कम होती है कोई डाउट तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अपना जो थ्री डिग्री हलाइड है वो सबसे लेट रिएक्शन शो करेगा ऐसे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा ये है हिंड्रेंस का ऑर्डर ठीक है ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ये क्या है हिंड्रेंस का ऑर्डर और जो ऊपर हम लिख रहे हैं वो क्या है रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनता है मिथाइल सबसे पहले रिएक्ट कर जाता है क्योंकि उसमें हिंड्रेंस कम मिथाइल के बाद कौन रिएक्ट करता है वन डिग्री फिर टू डिग्री और लास्ट में थ्री डिग्री इतना हिंडर्ड है कि वो कभी भी एसेंट शो सिमिलरली मिथाइल और वन डिग्री इधर इधर ये हमने स्टेबिलिटी कंट्रोल किया था मिथाइल की स्टेबिलिटी इतनी कम है कि वो कभी भी एसेंट में शो सिमिलरली वन डिग्री की स्टेबिलिटी इतनी कम है कि वो वन डिग्री भी कभी ठीक है तो दिक्कत समझ आया वन डिग्री और मिथाइल तो हमेशा ही क्या शो करेगा एसेंट टू थ्री डिग्री हमेशा SN1, good out. ये बच्चा जब ज्वाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करी उसके कुछ एग्जांपल्स अगर RX लेते हो KOH एक्वस लेते हो KOH एक्वस में OH माइनस आएगा और X माइनस किससे रिप्लेस हो जाएगा उस OH माइनस good out. क्लियर या नहीं याद रखना KOH एक्वस से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है OH माइनस OH माइनस क्या मिलता है एक न्यूक्लियोफाइल जो X को क्या कर देता है और अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है और हमने बाद में जाके एक KOH अल्कोहलिक भी किया है ये एलिमिनेशन कराता है ये क्या कराता है एलिमिनेशन क्यों क्योंकि ये सोर्स ऑफ बेस है सोर्स ऑफ मतलब बेस का काम करता है जबकि KOH एक्वस क्या है सोर्स ऑफ न्यूक्लियर ये क्या है सोर्स ऑफ न्यूक्लियर ठीक अगर NaOR ले तो OR माइनस मिलेगा OR माइनस लग गया कोई डब इथर मिल गया अगर साइनाइड लेते हैं तो क्या मिल जाएगा CN लेकिन हमने कहा था AgCN लेंगे तो क्या मिलेगा NC क्यों क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर होता है आयनिक करेक्टर होता है तो साइनाइड मिल जाता है एज अ आयन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जाके अटैक कर दे इसकी रीजनिंग लिख लोगे कि भाई ये आयनिक है तो अपने को फ्री साइनाइड आयन मिल जाते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एंड आराम से जाके अटैक कर देता है तो अपने को क्या मिल जाते हैं लेकिन AgCN कैसा होता है कोवलेंट तो क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं तो अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो करेगा तो नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा तो नाइट्रोजन जाके आर के साथ बॉन्डिंग करेगा तो क्या मिलेगा आइसो साइन इसको हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं कोई डाउट कोई डाउट लिखना क्योंकि एक बार एक बार ये रब किया तो फिर ये रेड रेड हट जाता है ना और ये वापस नहीं आएगा
चली जाती है। फिर से इधर ये समझे आप, KNO2 या NaNO2 अगर हम लेते हैं, या तो हम KNO2 ले या क्या लें, फिर से वो क्या होगा, आयनिक, आयनिक होगा तो K प्लस और NO2 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर हम NO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखें, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे होता। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक, तो ऑक्सीजन जाके अटैक करता है और अपने को क्या मिलता है, अल्काइल नाइट ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन जाके अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ कौन जा रहा है, NO पीछे पीछे जाएगा इसके, तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या लग गया, लेकिन ऑक्सीजन ने अटैक किया तो R के साथ कौन लगेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। लेकिन अगर हम फिर से AgNO2 लेते हैं, AgNO2 तो फिर से कैसा बॉन्डिंग है, कौन जाके अटैक करेगा, अच्छा ऑक्सीजन तो बॉन्डिंग में है ना, रुको, AgNO2 नाइट्राइड, ITE, अब ये वाला केस है, इसमें नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन उस लोन पेयर को यूज करके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, अटैक करेगा, तो बॉन्डिंग नाइट्रोजन करेगा, तो नाइट्रोजन जाके आर के साथ लग जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, दोनों का नाम याद रखें, एक है अल्काइल नाइट्रेट नाइट्राइट और दूसरा है नाइट्रो एलिनिन, कोई दिक्कत, कितना आसान है, करें आगे। अगर हम अल्काइल लाइट लेते हैं कोई भी, बस बस अगर हम कोई भी अल्काइल लाइट लें, अल्काइल लाइट को अब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो सिल्वर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ही तो है, तो बेसिकली AgX बाहर आ जाएगा और ये जो R है किसके हाथ लग जाएगा, ओके सर, तो क्या मिल जाएगा अपने को, एस्टर, तो दिक्कत, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपने को क्या मिलता है, एच माइनस, एच माइनस भी तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा, X की जगह क्या लग जाएगा, H, और अपने को क्या मिल जाएगा, एल्केन, कोई दिक्कत, ठीक। अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, देखो अगर X है, अमोनिया को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो HX बाहर चला जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, R NH, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीन। अगर SH लेंगे, NaSH, तो यहां से SH माइनस मिलेगा, जो एक न्यूक्लियोफाइल का काम, बेसिकली तुम्हें कोई भी चीज रिएक्ट करा दें, कोई भी दे सकते हैं, बस तुमने वहां पे क्या ढूंढना है, नेगेटिव पार्ट ढूंढना है और वो एक्स की जगह लगा दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं, ROH, जब हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायो, क्या बोलते हैं, तो ये वैसे एल्कोहल था, अब क्या बन गया, थायो एल्कोहल, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंथेसिस में काम आता है, अगर तुम्हें दो कार्बन लगाने हैं ट्रिपल बॉन्डेड हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटिलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटिलाइड। तो यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल होता है अपने पास, जो जाके अटैक कर देता है और एक्स की जगह खुद लग जाता है, कोई डाउट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सोडामाइट नहीं करता, वो तो एनिमेशन, वो क्या करता, सोडामाइट तो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, मान लो तुम्हारे पास इथाइन है, इथाइन को अगर तुम सोडामाइट से रिएक्ट कराते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये चीज मिल जाएगी, नहीं, गुड आउट, सोडामाइड तो क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन को बस बाहर निकालता है, तो एक बेस की तरह काम करता है, क्लियर, समझ आया या नहीं, कोई भी दिक्कत यहां तक, पक्का, ऑनलाइन में कोई डाउट किसी को भी,